हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ क्लास टेंथ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। इसमें हमें क्या दिया है, साइन ए 3/4 दिया है, हमें फिगर नहीं दी, कोई साइड नहीं दी हुई, तो हम इसकी जो साइड्स हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए साइन ए है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पे तो हमारा 90 डिग्री नहीं होगा, तो सी या बी पे 90 डिग्री होगा, वो किस पे होगा आप देख लेते हैं एक बार। साइन ए क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर बाय एच, 3/4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करें 3k/4k, यानी परपेंडिकुलर क्या आ गया 3k और हाइपोटेनस आ गया 4k, यह आ गया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब फिगर बनाते हैं, ये फिगर हो गई। अब इस फिगर में हमने ये ए नहीं लेना, क्योंकि एंगल पूछा हुआ है, एंगल हमेशा ये या ये होते हैं, तो इसको ए नहीं लेंगे हम, इसको ले लेते हैं ए, और यहां पे कुछ भी बी और सी ले लेंगे, ये आ गया। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर हमें क्या पूछा हुआ है, साइन ए, ये वाला एंगल पूछा है, तो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, ये परपेंडिकुलर होता है तो 3k हो जाएगा, ये हमारा h है, ये 4k हो गया। अब निकालना क्या है हमें इसमें, कोस ए और टेंजेंट ए, तो बेस भी फाइंड करना पड़ेगा, तो ए बी निकालते हैं, तो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस माइनस ये होगा, हाइपोटेनस में से माइनस हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर, तो ये हो गया 4k का स्क्वेयर माइनस 3k का स्क्वेयर, 16k स्क्वेयर माइनस 9k स्क्वेयर, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7 हो गया, ये 7k स्क्वेयर, तो ये अंडर रूट 7k आ गया, दिस इज अंडर रूट 7k, ए बी की वैल्यू आ गई हमारी, ए बी अंडर रूट 7 हो गया k। अब हम यहां से कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कोस ए क्या होगा, कोस ए होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है इसके अंदर, तो बेस है अंडर रूट 7k एंड एच है 4k, तो ये होगा अंडर रूट 7/4, इसका आंसर आ गया। और सेकंड क्या पूछा हुआ है, मैं टेंजेंट ए, टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या था अंडर रूट 7 और परपेंडिकुलर है 3k, के से के कैंसिल, 3/√7, तो ये हमारा आंसर आ गया 2, ये हमारी वैल्यूज आ गई इसकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इफ 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये 8 आ गया, और साइन ए सीकेंट ए निकालना है, साइन ए एंड सीकेंट ए फाइंड करना है हमें। अब 15 cot A दिया हुआ है, तो हम cot A की वैल्यू निकालते हैं, cot A इज इक्वल टू 8/15। अब कोट ए क्या होता है, कोट ए होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या आगा 8/15, तो हम बेस को 8k ले लेते हैं और परपेंडिकुलर को 15k, तो बेस इज इक्वल टू 8k और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15k, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, ये लिख देंगे साथ में। अब बेस और परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस का स्क्वेयर प्लस पी का स्क्वेयर, तो बेस कितना है 8k स्क्वेयर 15k स्क्वेयर, यानी 64k स्क्वेयर 225k स्क्वेयर, तो ये होगा 289k स्क्वेयर, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 289k स्क्वेयर, यानी 17k आ गया हमारा हाइपोटेनस। तीनों चीज आ गई, बेस परपेंडिकुलर h। अब निकालेंगे साइन a, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये काम तभी करना है अगर हमारे पास ये तीनों एंगल सेम हो, अगर सी आ गया या कोई और एंगल निकालना हो तो फिगर बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें उल्टे हो जाएंगे एंगल। अब साइन ए है क्योंकि इसमें बेस और परपेंडिकुलर सेम रहते हैं, अगर एंगल सेम हो तो बेस और परपेंडिकुलर वही रहेंगे, साइन ए हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर था 15k और हाइपोटेनस था 17k, कैंसिल हो गया 15/17 आ गया। और सीकेंट ए निकालना था, सीकेंट ए कोस का उल्टा होता है, कोस बेस बाय एच होता है, तो ये h बाय बी हो जाएगा, h कितना था 17k और b कितना है 8k, तो ये आ गया 17/8, तो ये दो आंसर आ गए हमारे इसके।
नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है हमारे पास, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। फिगर इसकी बना लेते हैं हम, फिगर बना के थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। ये थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ए बी सी। अब इसमें सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कोस का उल्टा, बेस बाय एच का उल्टा, तो एच बाय बी हो जाएगा 13/12। तो एच कितना आ गया 13 के और बेस आ गया 12 के, तो एच 13 हो गया और बेस हो गया 12 के, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए बी स्केयर कितना होता है, ए सी स्केयर माइनस बी सी स्केयर, यानी 13 के का स्केयर माइनस 12 के का स्केयर, 169 माइनस के स्केयर माइनस 144 के स्केयर, यानी 25 के स्केयर आ गया। तो ए बी स्केयर इज इक्वल टू 25 के स्केयर। नाउ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, यानी 5 के आ गया ए बी की वैल्यू। अब हमारे पास ए बी आ गया 5 के, बी सी कितना था 12 के और ए सी है 13 के। ये हमारा ए बी यहाँ नोट कर लेते हैं 5 के फिगर में। अब ये तीनों चीज़ें आ गई, अब बाकी चीज़ें हमने निकालनी है। तो हम साइन कोस टेंजेंट से शुरू कर लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा होता है बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है ए बी, ये फिगर में देखिए परपेंडिकुलर ए बी है क्योंकि ये थीटा नीचे लिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर ए बी, और ये एच है ए सी। दिस ए बी कितना है 5 के और दिस इज 13 के, तो ये आ गया 5/13। कोस थीटा, कोस थीटा हम यहाँ से सेक से भी निकाल सकते हैं, उसका उल्टा होता है, तो वैसे क्या आएगा बी सी बाय ए सी, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है 12 के 13 के, तो 12/13। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ए बी बाय बी सी। ए बी है हमारा 5 के और बी सी है 12 के, तो 5/12। कोसिकेंट थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, एक हमें दी हुई थी, बाकी 5 हम निकालेंगे। कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस ए सी है और परपेंडिकुलर ए बी है, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप साइन का सीधा यहाँ से देख के। तो ये 13 के बाय में 5 के, यानी 13/5 आ जाएगा। अब सेक हमारे पास है तो हम कोट रह गया, कोट थीटा, कोट थीटा वैसे टेंजेंट का उल्टा होता है, तो कोट थीटा आ जाएगा बी सी बाय ए बी, तो ये आ गया 12 के बाय 5 के, तो 12/5 ये आंसर आ गया। तो ये हमारे सारे इसकी वैल्यूज होगी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।